छत्तीसगढ़ में पहली बार शुक्रवार को वेल्डेक से ग्राउंड कला मंदिर के सामने सिविक सेंटर भिलाई में शाही मेले का उद्घाटन विधिवत किया गया। इसमें फिश टनल, एक्वेरियम शो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, कंज्यूमर सेल एग्जीबिशन तथा रोबोटिक एनिमल्स शो प्रमुख है। इसका उद्घाटन बीएसपी ओए के महासचिव परविंदर सिंह ने किया। संचालक सुभाष सबरवाल तथा रईस भाई ने बताया कि मछलियों को मस्ती करते पानी में दिखाने के लिए फिश टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है, जहां रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि रोबोटिक एनिमल शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जानवर डायनासोर, शेर व हाथी शामिल है। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी के वेल्डेक्स ग्राउंड में इस बार बहुत ही आकर्षक मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, बता दें, एक ही मैदान में फूड फेस्टिवल, अप्पू घर, फिश टनल शो और इसके साथ ही रोबोटिक एनिमल और इसके साथ ही यहां पर लगा मेला बहुत ही आकर्षण का केंद्र शहर वासियों के लिए बना हुआ है। रोज़ाना यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बताना चाहेंगे, इस वेल्डेक्स ग्राउंड में अप्पू घर, आकर्षक झूले और साथ ही साथ फिश टनल शो जो लगा हुआ है, उसे देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेले में लगा कपड़ों, चप्पलों और आकर्षक ज्वेलरी का स्टॉल सहसा ही महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भरदोई कारपेट, आकर्षक खूबसूरत क्लास की क्रॉकरी और इसके साथ ही साथ घर सज्जा की चीज़ें यहाँ पर लोगों को काफ़ी लुभा रही है। कैसा लग रहा है आपको? अभी पहली बार यूज़ करने वाली हूँ ना। हाँ। अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जैसे कि एक ही छत के नीचे वेल्डेक्स ग्राउंड में इस बार अप्पू घर भी है, फिश टनल भी लगा है, रोबोटिक एनिमल भी और फूड फेस्टिवल भी, कैसा लगता है ये पहल जो है एक ही मैदान में एक ही जगह में? कलेक्शन अच्छा है। जैसे अभी ठंडी आने वाली है, तो ठंडी के लिए आपको कैसा लग रहा है कि जो मटेरियल? तो देखो मैडम, 500 में 2 जोड़ी। 500 में 2 जोड़ी? हाँ, लूटो, लूट लो हमारी तरफ से। अप्पू घर का शुभारंभ यहाँ पर विधिवत किया गया। शुभारंभ अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के द्वारा इस मेले के अप्पू घर का शुभारंभ किया गया। वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे मेले के संचालक ने शहरवासियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है और इसके साथ ही बताया कि आने वाले दिनों में इस वेल्डेक्स ग्राउंड के मेले में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। और आपको ये बताकर खुशी होगी कि जो जो वायदे मैंने किए थे सेक्टर 10 में शाही दशहरे में भिलाई और लोक शहर की जनता के मनोरंजन के लिए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, वेल्डेक्स मैदान जो 11-15 मैदान है और यहाँ भिलाई लोक की जनता या रायपुर तक की जनता यहाँ पर आती है और इस मैदान पर ये जो आयोजन हुए हैं, ये दिवाली के शुभ मुहूर्त पर दिवाली की छुट्टियों में जनता के मनोरंजन के लिए किए गए हैं। याद रखें कि पहले हिंदू हैंडीक्राफ्ट फेयर, जिसमें भारत के कोने कोने से सभी धर्मों के लोग मिलकर अपने परिवार की रोजी रोटी का कमाते हैं और अपना अपना सामान लाकर उचित मूल्य पर यहाँ बेचते हैं, क्रॉकरी, केला कोटा, कारपेट, लखनऊ ड्रेस, बॉम्बे फैशन सेल, कपड़ों की सेल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के स्टॉल। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो माध्यम है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेल का, ये भारत की सबसे बड़ी एकाग्रता, सभी धर्मों के लोग मिलकर सभी राज्यों से आकर पूरे भारत के कोने कोने से सभी धर्मों के लोग मिलकर अपना व्यवसाय चलाते हैं और एक ही छत के नीचे रहकर भाईचारे की तरह रहते हैं और अपने परिवार से कम 5-5-6 मंदिर तोड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से सत्तरवाल जी ने ये जो प्रयास किया है भिलाई में, अपने तरह का पहला प्रयास है कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे अप्पू घर भी है, फन फेयर भी है, फूड फेस्टिवल भी है, रोबोटिक एनिमल रोबोटिक फेयर भी लगा हुआ है और फिश टनल भी यहाँ पे मौजूद है।
और काफी अच्छी संख्या में भिलाई के लोगों को यहाँ पे। आप शहर वासियों से अपील कर दें। जी, मैं शहर वासियों भिलाई के भिलाई वासियों से अपील करता हूँ कि सफरवाल जी ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है पब्लिक के एंजॉयमेंट की, वो बहुत शानदार है। फिश टनल है, बच्चों के लिए रोबोटिक एनिमल एक्टिविटी है, आपको बिल्कुल लगेगा कि नेचुरल यहाँ पे आप जंगल। महज एक या डेढ़ महीनों के लिए लगा ये मेला सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग यहां पर मनपसंद खरीदारी जहां कर रहे हैं, वही रोबोटिक एनिमल देख खुश रहे हैं और साथ ही साथ फिश टनल शो को देखकर भी काफी आनंद उठा रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।